आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 13 मार्च को रीवा जिले के सिरमौर में दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना का लोकार्पण, शासकीय आईटीआई सिरमौर तथा नष्टिका महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन एवं अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विधायक दिव्यराज सिंह, कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सिरमौर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल एवं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर तथा हेलीपैड स्थल का जायजा लिया। और इसमें 75-75 सेंटीमीटर अपन करते हैं, यही हमारा 50 मीटर का गुना है। और इस तरफ से थोड़ा सा आपको ब्रेक कर देंगे, यहाँ से लोगों के स्टॉपर डाल ब्रेक हो जाएगा। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण के समय जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, एएसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, तहसीलदार जितेंद्र तिवारी, एसडीओपी पीएस परस्ते सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने बताया कि सीएम 13 मार्च को सिरमौर आ रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा शहरी अधोसंरचना तृतीय चरण में 146 करोड़ की लागत से वार्ड 11 में चचाई रोड से केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर तक सीमेंट कंक्रीट रोड व वार्ड 4 में ढबौरा रोड से रानी तालाब सुनारा टोला तक रोड निर्माण कार्य एवं आईटीआई विद्यालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में हमने और एसपी साहब ने और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ स्थल निरीक्षण किया है। जो प्रस्तावित सभा स्थल है और हेलीपैड है उसका अवलोकन किया है और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम हो। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भूमि पूजन शिलान्यास का करके इधर स्क्रीन लगा रहेगा ताकि वो सब चीज़ें सबको यहाँ की दिखती रहेगी और वो अपने जो 10-12 गेस्ट रहेंगे स्टेज पे जाने वाले वो यहाँ पूजन करेंगे स्टेज पे आगामी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर सिरमौर विधानसभा में अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की अहम बैठक रखी गई है, क्या कुछ अधिकारी और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 मार्च को लगभग सुनिश्चित कर दिया है कि वो सिरमौर आएंगे, जहाँ पर हमारा आईटीआई कॉलेज जो सिरमौर में है एवं हमारा जो नष्टिका महाविद्यालय है उसका भी वो भूमि पूजन दोनों का करेंगे। साथ में कई सारे उसमें कार्यक्रम भी होंगे, सरकारी कार्यक्रम। तो हम लोगों ने आज चर्चा भी करी है, उनका कार्यक्रम का स्थल भी देखा है। निश्चित रूप से हमारे सिरमौर क्षेत्र को उनके आने से काफ़ी लाभ मिलेगा। आने वाले समय पर उनके माध्यम से सिरमौर के विकास की गाथा 13 मार्च को कहीं ना कहीं उनके माध्यम से प्राप्त होगी। जैसा कि सिर्फ बैकुंठपुर में बताया गया महाविद्यालय वगैरह को लेकर है, काफ़ी कई सारी चर्चाएं हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चाएं हुई हैं, जो हमारे क्षेत्र की कई सारे महत्वपूर्ण मांगे हैं, कॉलेजेस की है, नहरों की है, ये सब हम रखेंगे और मुझे निश्चित ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उनको पूरा करेंगे।